ओए होए 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 इंटीरियर देखो यार, इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर टोटल जो है ना इसका, यहाँ से डिजिटल मीटर है, टोटल डिजिटल, हर चीज जाना वो डिजिटल में आती है। अच्छा, और ये वाला पैनल मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ग्रोसरी ब्लैक फिनिश में है। और इसके अलावा सनरूफ, ये देख सकते हैं आप सनरूफ, इसकी पैनोरामिक नहीं है छोटी। तो इसको मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ, जैसे ही वो गाड़ी निकल जाएगी फिर इसको आगे करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? मेरे सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और अपनी रात को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई सर्दी में कांपते कांपते आज के वीलॉग का आगाज कर लेते हैं। तो जनाब, अपडेट अभी ये है कि गाड़ियां ही गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये गाड़ी का रिवील कर देते हैं आपको, चेरी टाइगो 4 प्रो, वो ऑडी की Q3 है। उसको निकालना है बाहर, लेकिन पीछे भी गाड़ियां हैं तो उसको उस गेट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए ये वाली गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी, फिर उसको पीछे करके थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका कपड़ा हटा के इसको पीछे करते हैं। ये रही जी ब्रांड न्यू चेरी टाइगो 4 प्रो वेरिएंट है। लुक देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ी है। रेड लाइनिंग जो जा रही है ना इसके चारों तरफ, वो बड़ी स्पोर्टी लुक इसको देती है। वाह वाह ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप अप्लाइड फॉर माशाल्लाह से। बैक से लुक देखें माशाल्लाह से। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ, वो भी बहुत ही मज़े का है। 12 seconds later. और ये रही भाई लोग इसकी की, सिंपल सी की है, रिमोट की तरह की। यहाँ पर लॉक अनलॉक और बैक ट्रंक को ओपन करने की है सहूलत। और यहाँ से अगर की आपकी जेब में भी होगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी, स्मार्ट एंट्री यानी के। ओए होए 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 होए, इंटीरियर देखो यार, इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर देखो ज़बरदस्त। और अभी मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, किधर इसका पुश स्टार्ट, ये रहा ये नहीं हुई भाई। कह रही है पहले भाई डोर जो है ना उसको क्लोज करो। इतनी स्मार्ट गाड़ी है भाई, इतनी स्मार्ट। हाँ अभी ये ग्रीन हो गया, अभी इसको स्टार्ट करते हैं और डिस्प्ले देखना आप। वाह, टोटल जो है ना इसका, यहाँ से डिजिटल मीटर है, टोटल डिजिटल, हर चीज़ जाना वो डिजिटल में आती है, एनालॉग कुछ भी नहीं है इसमें। सेंटर में सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और यहाँ पे टेम्परेचर वाला सिस्टम है। इस तरफ फ्यूल का है, फ्यूल इस टाइम बिल्कुल लो है। और ये है इसका बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे सारे इसके एसीज के कंट्रोल्स हैं। और ये वाला पैनल मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ग्रोसरी ब्लैक फिनिश में है। और इसके अलावा सनरूफ, ये देख सकते हैं आप सनरूफ, इसकी पैनोरामिक नहीं है, छोटी सी सनरूफ, लेकिन फिर भी लगी हुई है। Okay. देख सकते हैं आप सीटों पे कवर शवर शॉपर शूपर जो है ना वो अभी चढ़े हुए हैं भाई। ये अप्लाइड फॉर बिल्कुल न्यू है, अभी नंबर शंबर भी इसको नहीं लगा हुआ, लेकिन पता नहीं अभी इसका क्या सीन है। हमें तो ड्राइव करने के लिए ये नहीं मिलने वाली लगता है, इसको सेल करने के बाद कोई और गाड़ी आएगी, ये पता नहीं क्या सीन होने वाला है, अभी कोई आइडिया नहीं है। सो अभी टेम्परेचर थोड़ा बहुत मैनेज हो गया है, तो अभी गाड़ी को रिवर्स करते हैं ऐसे करके भी। ये इसका पार्किंग बटन, इसको डाउन करते हैं और गाड़ी को लेते हैं पीछे। ये देखें हमारा रिवर्स कैमरा जो है वो भी ऑन हो चुका है, जिसमें गाइडिंग लाइन भी बताता है कि किस तरफ आपकी गाड़ी जाएगी। तो इतना मैं गाड़ी को पीछे कर लेता हूँ जितना ऑडी थोड़ा सा पीछे कट हो के गेट से बाहर निकल जाए। ध्यान से भाई, ध्यान से, नई गाड़ी है भाई, ध्यान से। वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये देखें जैसे ही वो गाड़ी पास आई है सेंसर ने रोला डालना शुरू कर दिया भाई। ओके, यहीं पे इसको रोक लेते हैं और कर लेते हैं पार्किंग में, और ब्रेक को दोबारा से ऊपर कर देते हैं। और ये देखें भाई साहब, स्टेयरिंग व्हील चेक करें, डी शेप का, बहुत ही मज़े का है। इसके अलावा एयर वंस देखें इसके, कितने क्लासिक से लुक है। और ये रेड लाइनिंग पूरी गाड़ी में जा रही है भाई, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी। यहाँ पे स्टेयरिंग लाइट्स हैं बड़े मज़े की, और पीछे से भी आप देख सकते हैं काफ़ी खुली गाड़ी है। तो जनाब अभी अपने कमेंट करके बताना है कि फ्रंट लुक गाड़ी की कैसी है, कैसे एक्सटीरियर लुक्स है इसकी। ये स्टार्ट खड़ी है, DRL इसकी ऑन है, और अभी ऑडी को स्टार्ट करके थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं।
ये रही इसकी की, और मेरे ख्याल से इसमें भी ज़रूर स्मार्ट एंट्री होगी। हाँ जी भाई, ज़रूर है। इसका इंटीरियर चेक करें। होए 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 होए, फुल जर्मन पीस ऑफ आर्ट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा भाई। इसका इंजन देखने की मेरी बहुत ख्वाहिश हो रही है, तो इसका हुड मैंने ओपन किया है और अभी आपको दिखाऊँ। ये देख, वाव वाव वाव, खुद खुद ओपन हो गया। इंजन भी चेक कर सकते हो आप। होए होए। सो अभी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पुश स्टार्ट देखें किधर है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। सो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वाओ जी, हो गई स्टार्ट। अच्छा, रिट्रैक्टेबल मिरर जो है इसके, वो खुद ही मेरे ख्याल से करने पड़ते हैं ऐसे। मैंने इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ढूंढ रहा है कहाँ, और नीचे की तरफ वो क्लोज था डैशबोर्ड के अंदर, तो अभी वो बाहर निकल आया है। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाना था इसमें पैनारोमिक सनरूफ है भाई, खोल के देखते हैं। ओए होए होए होए, फुल सशके भाई। अभी टेम्परेचर थोड़ा बहुत मेंटेन हो गया है, तो गाड़ी को रिवर्स कर लेता हूँ मैं। आए हाय हाय, मज़े की ट्रांसमिशन ब्रो। ओए चल, ओए हैंड ब्रेक अभी पीछे होगी। I can't believe how it all turned out. Bring me to life. चेरी को अभी ज़्यादा देर हो गई है स्टार्ट हुए, देख सकते हैं आप। इसका टेम्परेचर बिल्कुल दरमियान में चला गया है, तो इसको मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। जैसे ही वो गाड़ी निकल जाएगी फिर इसको आगे करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ऑफ़। नई गाड़ियों के चक्कर में अपनी करोला को तो हम भूल ही गए, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पीछे करके ज़रा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सो हेलो जनाब, आपका भाई अभी एकदम से रेडी हो गया है। अभी गाड़ियों का काम जो है ना, वो आज बहुत ज़्यादा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि आज था संडे, तो संडे वाले दिन गाड़ियों को प्रॉपर तैयार करना था। खैर अभी मैं फ्री हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, और मज़े की बात यह है कि धूप निकल रही है आज। धूप को इतनी तेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। थोड़ी सनलाइट अभी लेते हैं और जैसे बाहर निकलेंगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। हेलो बॉयज, अभी गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली है और निकलते हैं भाई। भाई भाई भाई, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन तबीयत तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुबह से मैं ऑटो गाड़ियों के साथ पंगे करने में लगा हुआ था, और अभी मैनुअल चला रहा हूँ, तो फर्स्ट गियर में चलाई जा रहा हूँ। फिर याद है भाई, मैं मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ। गला ख़राब था दो तीन दिन से, और इसी बात का डर था कि फ्लू हो जाएगा, और आज फ्लू हो ही गया है भाई, नहीं बच सका मैं। आज छुट्टी का दिन है, संडे है आज, तो काम तो कोई ख़ास है नहीं मुझे, तो बस ऐसे ही सुबह का गाड़ियों की सेटिंग वेटिंग में करने में लगा हुआ था, और अभी फर्स्ट राउंड के लिए मैं निकला हूँ। आज संडे है, सामने मार्केट में बहुत रौनक होती है, बहुत सारे लोग आए जा रहे होते हैं, लेकिन आज अभी तक तो कोई रश नहीं है। शाम के टाइम हो गई उस तरफ तो कोई नहीं था रश, लेकिन जनाब इधर ग्राउंड में देखें, वाह बॉयज जो है ना वो फुल मस्ती में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है ग्राउंड में। आज है लास्ट डे, लास्ट छुट्टी है आज। कल से जो है ना बच्चों के स्कूल ओपन हो जाने हैं, और हमारी भी ड्यूटी जो है ना वो स्कूल आने जाने की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज लास्ट डे, आज जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें, आज आखिरी दिन है। वाटर बॉटल जो है ना वो बाहर आ गई हैं खाली होके, तो पानी लेने जाना है अभी, लेकिन अभी 5 नहीं बजे, 5 बजे निकलेंगे गाड़ी को लेके। धूप जो है ना वो निकली थी आज थोड़ी देर के लिए, ज्यादातर पूरा दिन जो है ना वो बादल छाए रहे, तो अभी अच्छी खासी सर्दी जो है ना शाम के टाइम फिर से फील होना शुरू हो गई है। खैर आज के इस ड्राइविंग व्लॉग को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड मेंबर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ऐसा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken.